हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण सिंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए वाइट ड्रेस बना रहे हैं, जो कि मैं शरद पूर्णिमा के लिए बना रही हूँ। और ये वाइट ड्रेस मैं एक नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो इसका डायमीटर जो मैंने पूरा व्यास लिया है, मैंने 7 इंच लिया है। ये एक नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, तो मैंने ये कट कर लिया है। एक 7 इंच का मैंने सर्कल कट कर लिया है, और दो मैंने ये लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है। ये मैं हम इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए, इसको हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, और ये हम इसके ऊपर रख के चारों साइड यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आपके पास अगर मशीन इलेक्ट्रॉनिक वाला है तो आप साइड में जिगजैग मार सकते हैं, या फिर मतलब इंटरलॉक टाइप कुछ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नॉर्मल मशीन है तो आप ये वाला एक कपड़ा, जो लाइनिंग का एक कपड़ा रहता है, एक आप सेम मेजरमेंट के लीजिए। जो 7 इंच हमने ये लिया है, बुकरम का पीस लिया है, 7 इंच ही आप ये ले लीजिए, और ये वाला 7.5 इंच लीजिए। हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के, और इसको यहाँ पर सिलाई लगा के इस तरीके से, और बाद में सिलाई लगाने के बाद हम इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए चारों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से भी ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ से पूरा बंद होकर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। तो चलिए, इतना करने के बाद अभी हम इसमें चारों साइड सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर चारों साइड सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पर चारों साइड सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो चलिए, पहले हम चारों साइड सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इसमें चारों साइड इस तरीके से सिलाई लगा ली है। जिगजैग मैंने लगाया है, और ये मैंने इधर भी बीच में सिलाई लगा के इसको एक साइड से कट कर दिया है। और ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा बेस जो है बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये देखिए, उल्टी साइड भी इसमें पूरी फिनिशिंग है। तो बेस हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब हमें बेस के ऊपर नेट लगाना है, वाइट कलर का ही नेट हम लगाएंगे, जिसके लिए मैंने ये 4 इंच चौड़ाई रखी है मैंने पट्टी की। ये देखिए, 4 इंच मैंने पट्टी की चौड़ाई रखी है, और इसकी लंबाई 40 इंच है। जो एक एक हमारे पास जो एक पट्टी है, वाइट नेट है ये, इसकी 40 इंच लंबाई है। मैंने ये 40 40 इंच की मैंने ये चार पट्टी कट कर ली है। इनकी सबकी चौड़ाई 4 इंच ही है, देखिए। ये देखिए, अब हमें इसमें इसको इस तरीके से लेना है खोलकर, और इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करके पहले हम इसके ऊपर सीधा सिलाई लगा लेंगे, और सीधा सिलाई लगाने के बाद हम इस तरीके से प्लेट्स डाल लेंगे। अभी हमें बेस के ऊपर नहीं लगाना है, खाली नॉर्मल इसी तरीके से प्लेट्स डाल लेनी है। वो प्लेट्स हमें बहुत पास पास डालना है, क्योंकि जब प्लेट्स इस तरह से सर्कल में जाएंगी तो प्लेट्स खुलती हैं, और अगर प्लेट्स दूर दूर रहेंगी तो वो अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा, प्लेट्स हैवी नहीं लगेगी। और प्लेट्स जितना हैवी लगेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इन चारों पट्टी में इस तरीके से डबल फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा के प्लेट्स डाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें इस तरीके से प्लेट्स डाल ली हैं, और ये हमने, ये देखिए, चारों जो हमने चार नेट ली थी, चार पट्टी कट की थी हमने, उन सभी के इस तरह से प्लेट्स डाल ली है। और अब हमें इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पर चारों साइड लगा लेंगे। जो हमने ये ऊपर की साइड राउंड सर्कल कट किया है, ये हम यहाँ पर इस तरीके से चारों साइड लगा के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो पहला तो हम इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये सर्कल है, हम इसको इस तरीके से रख लेंगे, और इंची टेप लेंगे। इंची टेप से हम चेक करेंगे, ये पूरा 3 इंच नहीं है, 3 इंच से भी ये 2 सेंटीमीटर कम है। तो हम इसको 1.5 से 1 सेंटीमीटर कम रखेंगे यहाँ पर इतना, और मार्क करते चले जाएंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, और ये हमारा 1.5 से 1 सेंटीमीटर कम है। हम इस तरह से पूरे में यहाँ पर मार्क करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, पूरे में हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, हमने जो ये इस तरीके से 1.5 से 1 सेंटीमीटर कम किए, जो हमने ये इस तरीके से छोटे छोटे मार्क किए हैं, अब हम इनको आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, पूरे को हम इसी तरह से मिला लेंगे, तो ये हमारा एक छोटा सर्कल बन जाएगा।
ये देखिए, ये इसके ऊपर हमने एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें सबसे पहले ही अपने जो हमने प्लेट्स डाले हैं इनको यहाँ पर इस तरीके से रख के पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, उसके बाद हम नीचे यहाँ पर सेम इसी तरीके से रखने के बाद पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं, ये हमारे डबल लेयर के फ्रिल बन जाएंगे। ये देखिए, हमने इसमें ऊपर वाला फ्रिल भी ऐड कर लिया है और नीचे वाला फ्रिल भी ऐड कर लिया है। और ये देखिए, इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा, इसका फिनिशिंग आ गया है, क्योंकि ये हमने प्लेट्स बहुत पास पास डाले थे और अगर हम दूर दूर प्लेट्स डालते तो इसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। और ये हमारा ओपन साइड है और ये ड्रेस का बैक साइड है। देखिए, बैक साइड भी पूरा फिनिशिंग है और फ्रंट साइड भी पूरा फिनिशिंग है। ये देखिए, अब हम एक ओरे पट्टी कट कर लेंगे और यहाँ पर उसको रख के सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले ओरे पट्टी कट कर लेते हैं। ये देखिए, हम इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे और उसमें से इस तरीके से हम तिरछी पट्टी काट लेंगे। हमें जितनी लंबी चाहिए हम उतना लंबा कट कर लेंगे और इसको हम 2 इंच की कट करेंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से 2 इंच इसको चौड़ाई में रखेंगे और कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने ओरे पट्टी कट कर ली है और अब हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम इसको लगाएंगे। डबल फोल्ड करके सबसे पहले हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रखकर चारों साइड पहले सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए लगा लिया है और अब हम ये डोरी लेंगे जो हमें ये इसके अंदर डालनी है और इसको हम इतना कट कर लेंगे। ये देखिए, और अब हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट किया है क्योंकि ये जो सिरा है ये भी हमें इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करना है। और अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इस डोरी को यहाँ पर रखेंगे और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं इसको हमेशा सुई धागे की हेल्प से फोल्ड करती हूँ क्योंकि सुई धागे से फोल्ड करने से ऊपर की साइड बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो चलिए, इसको इस तरीके से करते हुए हम पूरे को इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसमें सुई धागे की हेल्प से बैक साइड में इस तरह से सिलाई लगा ली है और ये देखिए, फ्रंट साइड में बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है क्योंकि ना ही ऊपर में कोई सिलाई दिखाई दे रही है ना धागा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये हमने डोरी डाल रही है और ये देखिए, डोरी भी हमारी ऐसे खिसक सकती है। और यहाँ पर जो हमने ये और पट्टी लगाई है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने ये बिल्कुल पट्टी लगाई है। अगर आप इसको सीधी पट्टी कट करके लगाएंगे तो उसमें बहुत सारे सल आ जाएंगे, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो हमेशा जब भी यहाँ पर पट्टी ऐड करें वो हमेशा और पट्टी ऐड करें। तो देखिए, तो चलिए, अब हमारा बेस तो बिल्कुल तैयार हो गया है, अब हम इसका ब्लाउज बना लेते हैं। ये देखिए, ब्लाउज बनाने के लिए ये मैंने 6 इंच लंबाई रखी है और 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसको इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसको इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ये ब्लाउज हम डबल बना रहे हैं तो इसलिए हमने कपड़ा डबल लिया है और यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये देखिए, हमने ये यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से लंबा फोल्ड करेंगे और एक साइड से हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हम थोड़ी अच्छे से लगाएंगे ताकि हमें यहाँ हल्का हल्का सा कट भी लगाने का कपड़ा मिल जाए। हल्का हल्का सा कट लगाएंगे फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें इस तरीके से सिलाई लगा ली है और अब हम यहाँ पर गले के पास में हल्का हल्का सा कट लगा देंगे ताकि जब हम इसको
उल्टा करें तो ये पूरा फिनिशिंग के साथ उल्टा हो जाए। ये देखिए, और अब चलिए हम इसको इस तरीके से उल्टा कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने इसमें सिलाई लगा ली है और इसको सीधा कर लिया है, बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आ गई है। अब हम इसको एक बार और इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, जिस साइड जिस तरीके से हमने इसको कट किया था इस तरीके से, और हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसको नीचे की साइड से थोड़ा कम रखते हुए और ऊपर की साइड से ज़्यादा रखते हुए कट कर देंगे। ये देखिए, अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और दोनों साइड हम टिश्यू रिबन लगा के इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए, हमने कट करने के बाद इसके इस तरीके से चारों साइड ये टिश्यू रिबन लगा लिया है, और यहाँ पर नीचे की साइड से भी इसको बंद कर दिया है और ऊपर की साइड से भी, बीच में से ये पूरा ओपन है, और ये हमने डोरी बांधने के लिए ये गोटा ऐड कर दिया है। ये देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहनाएंगे तो हम इसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी ड्रेस का ब्लाउज और ड्रेस का बेस बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए इसको डेकोरेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए मैं ये कुंदन के पैचेस ले रही हूँ। मैंने ये मैं मार्केट से लेके आई थी, इनको मैंने अपनी शॉपिंग वीडियो में शेयर भी किया था। तो मैं ये वाले 5 पैच यूज़ कर रही हूँ, ये 5 का पूरा पैक था, और मैं ये ले रही हूँ पेपर रोज़ और ये पोलन, ये वाले फ्लावर ले रही हूँ। तो इनको हम इस तरीके से रख के देख लेंगे एक बार, हमेशा कभी भी चिपकाने से पहले एक बार रख के देख लीजिए कि वो पैटर्न अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये देखिए, हम इसको इस तरीके से रख लेंगे, और ये हमारा सेंटर वाला है तो सेंटर को हम इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इसको इस तरीके से डबल डबल भी लगा सकते हैं पूरा गैप कवर करने के लिए, पर मैं ये डबल नहीं लगा रही हूँ, मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी यहाँ पर एक एक करके ही, क्योंकि ये एक एक लगाने से भी इसका बहुत अच्छा लुक आएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा भरा भरा हो जाएगा। ये देखिए, हम इसको इस तरीके से डेकोरेट करेंगे, और ये इस तरीके से काफ़ी अच्छी लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा हैवी नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, काफ़ी अच्छा इसका लुक आ गया है। और आप इसको किसी भी फेस्टिवल के लिए बना सकते हैं, शरद पूर्णिमा या फिर दीपावली, आगे जैसे बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, किसी भी फेस्टिवल के लिए ये परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इनको ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेते हैं। ये देखिए, हमने ये यहाँ पर पैच लगा लिए हैं, और अब हम यहाँ पर इनके बीच में ये चारों फ्लावर, इनको हम यहाँ से कट कर लेंगे। पहले इनकी डंडी बहुत लंबी है, तो यहाँ से कट करने के बाद हम तब इनको इसी तरह से जैसे हमने रख के देखा था उसी तरीके से हम इनको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको चिपका लिया है, और चिपकाने के बाद इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। आप चाहें तो इसमें फ्लावर और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या फिर पैच और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, पर मुझे इतना पैटर्न इसका सही लगा, क्योंकि ज़्यादा हैवी ड्रेसेस भी फिर डेली वेज में नहीं पहनाई जाती है। फेस्टिवल्स के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस ले लेते हैं, लेकिन फिर वो ऐसी रखी रहती हैं, डेली वेज में पहनाने में फिर प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए ड्रेस मैंने इस तरह की बनाई है कि जो देखने में हैवी लुक आ रहा है, बट ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही पहनाने के बाद ये बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही अच्छा लुक आएगा, और बाकी आप कमेंट करके बताएगा। ये देखिए, ये इसकी ब्लाउज़ बनाई है हमने, और ये हमारी ड्रेस बन गई है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ड्रेस कैसी लगी। ये ड्रेस आप शरद पूर्णिमा के लिए, दीपावली के लिए, जो आगे आने वाले फेस्टिवल्स हैं उनके लिए किसी भी कलर में किसी भी तरह की ड्रेसेस बना सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।